सुबह सुबह छोटे बच्चे आते हैं मोहल्ले के मेरे पास और बताते हैं, भैया एक नन्हा सा बछड़ा है जो कि बार बार गिर रहा और उठ रहा है, और चल के देखो ना क्या हुआ। तो मैं सीधा बिस्तर से उठा और बछड़े के पास पहुंच जाता हूँ, उसको देखता हूँ कहीं उसको उसके पैरों वगैरह पर कुछ चोट तो नहीं लगी है, कुछ अजीब तरीके की कोई चोट तो नहीं लगी है। तो मैं उसको हाथ लगाता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि इसका टेम्परेचर डाउन है, क्योंकि सर्दी कल रात बहुत ज्यादा थी। तो मुझे खतरा ये भी रहता है कि डॉग्स वगैरह के अटैक ज्यादा होते हैं, जो भी डॉग्स वगैरह होते हैं नन्हे बछड़ों के ऊपर अटैक करते हैं जानलेवा, और कभी कभी तो उन्हें मार डालते हैं, कभी कभी बच भी जाते हैं। तो इसीलिए मैंने देरी ना करते हुए टेम्परेचर उसका चेक किया, तो उसका 96.7 टेम्परेचर था, नन्हा बछड़ा था। तो फिर मैंने उसी टाइम एम्बुलेंस वाले को कॉल किया, एम्बुलेंस को बुला लिया और एम्बुलेंस तुरंत आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस आ गई, और आते ही एम्बुलेंस के अंदर उसको चढ़ा दिया जो कि जूई गौशाला में जाने वाला था वो बछड़ा। तो पहले भी उन लोगों ने मेरी मदद की, बहुत से बार जो भी केस हुआ तो जूई गौशाला वालों ने बहुत मदद की है मेरी। तो वो तुरंत आ जाते हैं, बताते हैं उस टाइम से पहले आते हैं, बहुत अच्छी सर्विस है। और मैं तो यही दुआ करता हूँ कि तुम्हारी सर्विस ऐसे ही बनी रहे और हर एनिमल की मदद के लिए आप सक्षम हो और रहो। तो ऐसे इंसानों के लिए धन्यवाद देता हूँ जूई गौशाला वालों को, जो जिन्होंने मेरी मदद की। और हम ऐसे इंसान हैं कि छोटे छोटे बछड़ों को मरने के लिए छोड़ देते हैं, हमारा काम बनता बाहर में जाए जनता, यही रूल अपना रखा है। हमारा काम निकाल लेते हैं, हम दूध देती है तब तक उसकी माँ, हम उसको पास रखते हैं दूध से, तब वो उसको हटा देते हैं, तब उसको बाहर मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, आपको कभी आपको तकलीफ होगी ना तब तो आपको पता चलेगा कि क्या होता क्या नहीं। तो कभी भी ऐसी हरकत मत कीजिए यार, ये छोटे बछड़े होते हैं और इनको हम मरने के लिए छोड़ देते हैं, ये बहुत गलत है। तो और कभी भी कोई भी एनिमल अगर हमारे निगाना कला और निगाना खुर्द में अगर बीमार होता तो आप मुझे कॉल करें या कमेंट में आप बताएं, और ज़्यादा देर मत के, क्योंकि देर करोगे तो एनिमल मर भी सकता है। उसी टाइम मुझे कॉल करके इन्फॉर्मेशन दें। अब मुझे चलने की इजाज़त दें। जय हिंद जय।